नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सीज ड्रम्स ऑफ ऑइल्स आर कैरिड इन अ ट्रक इफ द ट्रक एक्सलेट्स एट अ कांस्टेंट रेट कांस्टेंट रेट से हमारा ये मतलब है कि आपका एक्सलेशन कांस्टेंट वैल्यू है द सरफेस ऑफ द ऑयल इन द ड्रम विल रिमेन अन अफेक्टेड राइज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन राइज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन नथिंग इज सर्टेन तो नाउ दिस इज द स्नैरियो कि हम यहाँ पे कहते हैं कि ये आपका लेटेस्ट ड्रम है uh, हमने ये आपका सरफेस का uh, हाँ हॉरिजॉन्टल लेवल है ये तो वो स्नैरियो है जब ये रेस्ट पे है हालांकि नाउ right? इसी ड्रम को जब आप ए एक्सलेशन से आगे लेके जाएंगे सो so ये आपका ओरिजिनल लेवल uh, था ठीक है लेट मी चेंज कलर ऑफ द पेन सो इन कलर हम चेंज कर लेते हैं लेट से ये बना लेते हैं सो right? so, जब आप इसको लेटर से ए एक्सेलेशन से आगे की तरफ लेके जा रहे हैं सो so ये आपकी नई सरफेस बन जाएगी तो ये आपका ऐसे uh, सरफेस आ जाएगा फ्लूड मैकेनिक जब हम पढ़ते हैं तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पे जो आपका टेन थीटा आता है uh, उसकी वैल्यू टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी आता है तो ये आपका थीटा ऐसे राइज कर जाएगा यहाँ पे ऐसे डिप कर जाएगा सो so इसको हम कहेंगे राइज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन दिस वुड बी आर राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस